अरे क्या कर रहे स्विच 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 यहाँ से घुस जा घुस जा चलो चलो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ आपको देखता हूँ आपको देखता भी सीखता चलो 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 अरे मुझे ऐसा बैठा हो रहा है अली गए ये कोच अली को चल चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं राजे आगे देख अपने बंदे मैं कह रहा हूँ वार्म अप हो मुझे क्यों दे रहा है उधर रख जाके वार्म अप हो कोच उवेश को बोलो पानी की बोतल लेकर आए नादिर हमाद आजम हमाद अमजद ने पाकिस्तान के दो गोल हो गए वो चलाए ना टिकट तो चलाए ना प्लीज प्लीज जरा मेहरबानी
हमारी टीम इस वक्त 2-0 से जीत रही है दूसरे हाफ में। और वो देखे ना पीडीबी बर्ड, देखे उस पे टिकट चल रहे हैं या नहीं, पीडीबी बर्ड के ऊपर लगाए फौरन, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੂਸਨਹੋਫ ਗਾਤਾ ਈ ਉਸਲੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6233800 ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲਾ। पेशावरी कबाब रेस्टोरेंट खैबर पख्तूनख्वा के रवायती खानों का मरकज, पेशावरी मुर्गी और गोश्त वाली खसूसी कढ़ाई चपड़ी कबाब अपने जायके में बेमिसाल। हमारा काबली पुलाव बहुत से मरकबात से भरपूर। तशरीफ लाइए, यहाँ खाइए या घर ले जाइए। आपका अपना रेस्टोरेंट पेशावरी कबाब, 3 Hamza Bhaiyan 16 प्रोप्रेटर हाजी हैदर जमान। टेलीफोन नंबर 2144-5187। पाक मात नाम है भरोसे और क्वालिटी का, यही वजह है हर कोई पाक मात की बात कर। पाक मात नाम है भरोसे और क्वालिटी का, यही वजह है हर कोई पाक मात की बात करता है और हमारी अशिया को पसंद करता है, क्योंकि हमारा मिशन अपनी कम्युनिटी को पाक साफ और आला क्वालिटी की अशिया फराहम करना है।
हलाल गोश्त, ताज़ा सब्जियां, फ्रूट या दीगर किचन की अशिया खरीदनी हो तो पाक मात बेहतरीन स्टोर है। तशरीफ लाइए थयन पाक मात। फ़ोन नंबर 2219-5060। हमारा होम पेज है pakmart.no। जासी में स्टार्ट हुई है और इसका मयारी गोश्त और अला क्वालिटी की वजह से ये पूरे नारे में अपनी क्वालिटी के साथ मयार के साथ पहचाना जाता है पाक मात। कराएं जल्दी कराए बेटे साल एकदम ये बताएंगे ये पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर टिकट चल रहा है टीम के मैच का। औरंगजेब ने तीसरा गोल भी कर दिया है। ठीक है प्लीज जरा चलाते रहे ना इसको प्लीज जरा मेहरबानी उर्दू पे भी न्यूज पे भी जवान नादिर कहाँ गया बहुत बड़ी टाइम कितना किसको निकालना है? उसामा, उसामा। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो क्या है? हाँ एक सेकंड रुको मैं, तुझे अभी का। ठीक है। महफूज हूँ चार गोल हो गए
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जीतते हैं मैच इंशाल्लाह। ओके शाबाश शाबाश रात तो फाउंडर है ना पाकिस्तान के अंदर सी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ना अच्छा हम लोग चला रहे हैं इसके बाद हेलो जी बिलाल जान फाइव जीरो टिकट चल रहे टिकट चल रहे हाँ बस ठीक चलो ठीक है अल्लाह चेक करते रहे मैं बाद में करता हूँ चल रहा है रात पूरी खिलाई सर्दी बहुत हो गया इसकी रिकॉर्डिंग जा रही है बार बार चीनी
दो गोल हो गए ये कैमरा रखे आप हमें मुबारक हो आज आप बहुत मुश्किल हैं इंशाल्लाह क्या समझते हैं आगे हमारा क्या मुश्किल होगा कल मैच और आगे भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह और या हो बिल्ड मांग को में उम्मीद है कि बहुत सारे लोग कल भी आएंगे सुबह सुबह को 9 बजे फिर उसे पे मैच है तो जितने भी आ सकते हैं आए और इन बच्चों से टाइम भी इस्तेमाल करें और इनके लिए हेल्प करें और है भी अब ये लेकिन ये जिस नॉर्वेजियन टीम से अभी खेले वो भी अच्छा खेलते थे लेकिन फिर भी ये 7-0 जीते 6-0 जीते हमने इनको पिछले साल भी देखा था मेरा असल मेरा ऑफिस खेलता है अच्छा तो इसलिए अब हम हमारी ये जो है ना असल में पिक खिला के ये हमारा लुक हॉल ठीक है तो हम हमेशा आते हैं जब नोवे किप का हो रहा हो ना हम इरा के देखते हैं पिछले साल मैंने देखा था आप माशा बहुत अच्छा काम करें क्या कहेंगे उनको बाकी लोगों को भी टीम के लिए क्या करना चाहिए मजीद आके प्रमोट करने के मजीद आके सपोर्ट करने अब देखिए अब यहाँ जो हम पाकिस्तानी हैं जो हमने सब ये तो जो जहाँ भी जाएंगे दुनिया में जाएंगे वहाँ उनको ये सब अब जो है लोग बहुत शुक्रिया साहब आप यहाँ आए हैं और आप टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो माशाल्लाह इन्होंने आज फतेह हुई है पाकिस्तान की फतेह हुई है 6 गोल किए हैं पाकिस्तान की इस टीम ने मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और कम्युनिटी ने माशाल्लाह इधर मौजूद है जो जिसने बढ़ चढ़ कर इनकी सपोर्ट की है और मैं खराज तस्वीर पेश करता हूँ इन सबको जिन्होंने इतनी काफियाँ की हैं और इन्होंने जो है ना मैच जीता तो मैं मुबारकबाद सबको देता हूँ सब पाकिस्तानियों को यहाँ पर रहने के जो रहते हैं उनको भी और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद शुक्रिया जी अनकती है चोले भी ऐसी यही बात आप भी सही बात अच्छा आप आज आई हैं मैच देखा आप क्या महसूस कर रही हैं आज मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई पाकिस्तान की टीम जीत गई सारे जो प्लेयर्स थे सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी टीम 6-0 से जीत रही है कल भी इंशाल्लाह जीतेंगे तो आप क्या समझते हैं कल कैसा रिस्पांस होगा टीम का कल टीम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड होगा और इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि कल टीम बेहतर परफॉर्म करेगी लेकिन हम टीम में से उन प्लेयर्स को जो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जो है वो हम थोड़ा सा रिलैक्स देंगे क्योंकि वी आर इन टॉप इन ग्रुप तो हम ये नहीं चाहते कि आगे कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो है वो लूज़ कर मुस्लिम प्लेइंग अच्छा हो रहा है कल आप को चेंज करेंगे खिलाड़ी चेंज करेंगे बिल्कुल आपका रवैया कुछ सख्त नहीं होता खिलाड़ियों से नहीं कुछ सख्त नहीं होता बिल्कुल उसकी वजह ये होती है कि जो मैंने एज एन कोच एज एन मैनेजर थोड़ा सा गाइडलाइन जो है वो इस तरह होती है क्योंकि ये तो मेरे बच्चों की तरह है और जहाँ बच्चे गलती करते हैं माँ बाप या बड़े डांटते जरूर बहुत शुक्रिया इसमें आप ही रखे एक नारा लगाएं पाकिस्तान का फिर फोटो बनाते हैं बम।
टीम भर लिया, टीम भर लिया इस बार।